होता है तो हम लोग कुंडा बोलते हैं, ठीक है। वो टॉन्सिल के जस्ट बीच में दो टॉन्सिल होते हैं उसके बीच में होता है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे दांत में प्रॉब्लम हो रही है ना? अगर आपको कभी भी फाउल स्मेल आने लगे, है ना, फाउल स्मेल आए हो, उससे बदबू आ रही हो, है ना, दांत में आप देखेंगे तो एक किनारे किनारे जहाँ मसूड़े और दांत का जंक्शन होता है वहाँ पे आपको एक पीला पीला लाइनिंग दिखाई देगा, जैसे इस एरिया में। अगर आपको मार्कर से दिख रहा हो उतना दूर से तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। जो ये एरिया मैं बना रहा हूँ, ये एरिया इस ऐसे पूरे दांत के अंदर में आप देखेंगे, खाना जब खाते हैं तो वहाँ चिपक भी जाता है जाके खाना, फिर हम उंगली से हटाते हैं, खुला करते हैं तो वहाँ से हट जाता है। तो ये पूरा ये मार्कर से जो मैंने मार्क किया है इस एरिया में पूरे पीले पीले जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरीके का स्टेन होता है ना। स्टेन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई कपड़ा है उस कपड़े के अंदर कोई हम छोटे से छींटे दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टेन ही बोलते हैं ना। तो ये स्टेन होता है दांत के अंदर, स्टेन होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, दांत और मसूड़े के जो बीच का एरिया है इसमें एक स्पेस क्रिएट करता है ना। उसी से जब कोई स्पेस क्रिएट हो जाता है तो जो हम खाना खाते हैं उसमें धीरे धीरे फंसने लगता है, तो उससे क्या होता है कि ये पूरा हमारे अंदर से सड़न की बदबू आने लगती है, ठीक है।